Hello friends, my name is Dietitian Gautam Jani. I'm a founder and CEO of Fitness with Gumzi. आज हमारा टॉपिक है बात करने में कि जिसका नाम है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। मुझे हर कोई पर्सन जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, जो भी हमारे पास वेट लॉस के पेशेंट्स आते हैं, वो सब हमें पूछते हैं पहली बात कि हमारा विटामिन बी 12 डेफिशिएंट है या फिर हम विटामिन बी 12 से डेफिशिएंट है। तो चलिए आज जानते हैं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बॉडी में क्यों होती है और इसका रीज़न क्या है और इसे किन फूड सोर्सेज से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे तो बी कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी तरह के होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6, B12, लेकिन B12 सबसे लंबा बी कॉम्प्लेक्सेस होता है। अब विटामिन B12 बॉडी में काफ़ी सारे चीज़ें और फंक्शन करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ब्लड सेल का डेवलपमेंट, कोएंजाइम एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी के लिए विटामिन B12 ज़रूरी होता है। तो अगर आप बॉडी में विटामिन B12 से डेफिशिएंट हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी, आप लो एनर्जी फील करोगे, लेथार्जिक फील करोगे, आपकी बॉडी अच्छा मेटाबॉलिज्म नहीं करेगी, आपकी बॉडी अच्छी एक्टिविटी नहीं कर पाएगी लंबे टाइम तक। तो सबसे पहले तो जब भी आपको ब्लड रिपोर्ट्स में B12 की डेफिशिएंसी आए तो सबसे पहले इट्स अ टाइम कि जहाँ पे आपको अपने फूड सोर्सेस में कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। कौन से चेंजेस? तो इस चेंजेस में बात आती है कि विटामिन B12 प्लांट प्रोडक्ट से, मतलब वेजिटेरियन प्रोडक्ट से इतनी क्वांटिटी में नहीं मिल पाता। तो वेजिटेरियन पर्सन क्या विटामिन B12 फूड से नहीं ले सकते? डेफिनेटली वो ले सकते। कौन सी चीज़ों से? तो कि आप मिल्क प्रोडक्ट से, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मिल्क है, देन देर इज़ अ कर्ड, देर इज़ अ पनीर, तो ये पनीर, दूध, दही, इन सारी चीज़ों की वजह से आप अपना विटामिन B12 दिन भर में ले सकते हो। जो पर्सन नॉनवेज लेते हैं तो वो डेफिनेटली मीट प्रोडक्ट लाइक गोट लिवर, देन देर इज़ अ चिकन, एग्स, होल फिश, तो इन चीज़ों की साथ अपनी विटामिन B12 की पूर्ति दिन भर में कर सकते हैं। तो ये सारे पूरे एक आपको फूड सोर्सेस है जहाँ पे आप ये फूड सोर्सेस लेकर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मुक्त हो सकते हो फॉर लाइफ टाइम। अब कुछ ऐसे फैक्ट कि जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होते। विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो आपकी बॉडी में से वो रोज़ यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में से रोज़ाना निकलती है तो उसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको रेगुलरली विटामिन B12 का इनटेक फूड से लेना होता है। अगर आपका इंटेक बहुत ही कम है, डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको विटामिन B12 के इंजेक्शन लेने हैं, तो गो फॉर इट, इंजेक्शन लीजिए। लेकिन जब भी आपका डोज पूरा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना विटामिन B12 का फूड नहीं लेंगे, वो आपकी बॉडी में से यूरिन के थ्रू रोज़ निकलता रहेगा। तो एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो फूड सोर्सेस बताए वो सारे फूड सोर्सेस डेली इंटेक में लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी, विटामिन B12 के डेफिशिएंसी की वजह से हमने देखा है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक अनिमिया होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो ये सारे डिजीज़ आपको ना हो, अनिमिया जैसे मेडिकल कंडीशंस, तो उसके लिए विटामिन B12 लेना बहुत ज़रूरी है। आज तक मैंने कभी विटामिन B12 की वजह से टॉक्सिसिटी बॉडी में, मतलब ज़्यादा ले लेना कभी देखा नहीं है। तो डेफिनेटली आप क्वांटिटी अच्छी ले सकते हो फूड में, कोई रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ गई हो तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कॉमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो, तो हम आपको एक पूरा विटामिन B12 का फ्री डाइट कंसल्टेशन भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।